नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, भाजपा ने यूपीए के अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया। यूपी में हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल की सजा। सजा सुनाए जाने पर बोले आजम खान, संघर्ष जारी रहेगा, सेशन कोर्ट जाएंगे। वर्ल्ड कप में भारत का विजयी अभियान जारी, एक तरफा मैच में नीदरलैंड को 56 रनों से रौंदा। अर्जुन खड़गे 29 अक्टूबर को नौसारी जाएंगे, अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात का पहला टूर। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को मिलेगी समान मैच फीस। अगले हफ्ते किया जा सकता है गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। अमेरिका के पहले एस्ट्रोलॉजी सिख पुलिस अफसर की हत्या करने वाले शख्स को सजाए मौत। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को सीएम आवास 15 नवंबर तक खाली करने के लिए दिया गया नोटिस। फरीदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने 6,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। तत्कालीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।